पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज एक विशेष आयोजन के लिए, प्रयोजन के लिए यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसा कि सभी को मालूम है और जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर हमारा धरना 36 दिन चला प्याली हार्डवेयर सड़क के लिए, और प्याली हार्डवेयर सड़क अब बनके तैयार होने वाली है। दोनों साइडें जो है इसकी जनता के लिए चालू हो चुकी हैं। जो तमाम इस पर एक्सीडेंट हुए और हमारे चार बच्चे इस पर शहीद हो गए, मैं तो शहीद ही कहूंगा, या ये कहा जा सकता है कि उन बच्चों ने जो इस पर जिनकी मौत हुई उनके गुनाहगार यहाँ के नेता और नगर निगम के अधिकारी हैं। दूसरी बात यह है कि 23 अप्रैल 21 को इसका काम चालू हुआ और जिसकी लागत थी 5,92,00,000, 1.1 किलोमीटर की सड़क। ये एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सड़क है, जिसको बनाने में 2 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। ना तो इसके नालों का काम पूरा हुआ है और ना ही इसके फुटपाथ का काम पूरा हुआ है और ना ही बिजली के साइड से खंभे हटे हैं। उसके बावजूद भी हमें ये खुशी है कि कम से कम ये जनता के लिए दोनों साइडें चालू हो गई, जनता आराम से आ रही है जा रही है। और जो तकलीफें इस क्षेत्र की 3 विधानसभाओं को उठानी पड़ रही थी, या बाहर से आने वाले गुड़गांवा से या यूपी से होते हुए गुड़गांवा जाने वालों के लिए एकमात्र यही सड़क थी, उनको ये सहूलियत मिल गई है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और जिन लोगों ने इसमें हमारी मदद करी उनका भी धन्यवाद करते हैं, और पत्रकार बंधुओं का विशेषकर धन्यवाद है, क्योंकि रात दिन इन्होंने अपनी मेहनत, कड़ी धूप और बरसात, सर्दी, इन्होंने कुछ नहीं देखा, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। अगर आप लोग इस आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचाते तो शायद ये नेता और अधिकारी नहीं सुनते। हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पर और कुछ हमारे बीच में नहीं आ सके हैं, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। ये एक सामूहिक लड़ाई थी, सामूहिक संघर्ष था, जिसको जनता ने जीता है और पत्रकारों ने जीता है। मैं तो ये कहूंगा कि सारा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि अगर इतनी शिद्दत से आप लोग नहीं लगते, जनता की आवाज पोर्टल मीडिया नहीं उठाता, तो हमें जीत नहीं मिलती। आज हम इसी जीत के उपलक्ष में यह घोषणा करते हैं कि हम जल्दी ही, जैसा कि इसमें हमने लिखा भी है कि 16 तारीख को जिस दिन जल चढ़ेगा उससे उसके दूसरे दिन 15 तारीख को, इस ये महीना सावन का है, पावन पर्व है, और सभी सनातनी इसमें अपने शिव भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाएंगे और उससे अगले दिन यहाँ इसी चौक पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और भंडारा का आयोजन जो है यहाँ सब मिल करके सभी मित्र बंधु करेंगे। हमने किसी से कोई फाइनेंस नहीं लेना, किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी और किसी से कोई गुजारिश नहीं करनी, ये काम करेंगे। उसके बाद में जो समस्या इस पूरे फरीदाबाद की है, सड़कों पर जल भराव की, यहाँ के नेता मुझे लगता है फेल हो चुके हैं। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं फिर कह रहा हूँ, पंच, सरपंच, प्रधान, प्रधानमंत्री, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, बाबा राम केवल जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, सिर्फ जनता की दुख तकलीफ में। हम अध्यात्मवादी लोग हैं, हम वो धार्मिक लोग हैं, अगर दूसरे को कष्ट है तो हम अपना कष्ट समझते हैं, इसलिए हम यहाँ मैदान में आते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा जी आप तो बाबा हो, मंदिर में घंटा बजाओ, चालीसा करो, पाठ करो। नहीं, ये जितना भी दिखाई दे रहा है, जितना भी चेहरा, जितनी भी आंखें दिखाई दे रही हैं, ये भगवान स्वरूप हैं, यही ईश्वर है। अगर हम दूसरे के कष्ट और उनको तकलीफों को अगर हम नहीं समझ पा रहे तो हमें भगवान कहीं नहीं मिलेगा। अगर भगवान साक्षात दर्शन हो रहे हैं तो ये इसी में है भगवान, ये अध्यात्म भी कह रहा है, हमारा सनातन भी कहता है। अगर हम ये देख पा रहे हैं
कि हमारे पड़ोस में किसी को कष्ट है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग भेद किसी का भी हो, हम अगर उसकी मदद नहीं कर पा रहे, उसकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और आगे भी बाबा राम केवल जो एक बड़ी समस्या है इस जल भराव की फरीदाबाद में, इसके लिए संघर्ष की तैयारी कर रहा है और संघर्ष करेगा। बाबा जी, सड़क टूट रही है, नई सड़क है, करोड़ों रुपए की लागत है, जगह जगह से टूट गई है जी, जी। खंभे हटाए नहीं गए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखो, कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की, नगर निगम अधिकारियों की इसमें कमी है। जैसा कि 200 करोड़ का मामला चल रहा है, बिना काम किए जब ले गए, तो मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ काम कर दिया, हम पर रहम कर दिया है तो एक काम करके वो दिखाया है थोड़ा बहुत। लेकिन साइड के खंभे नहीं हटे, नाले अभी नहीं बने हैं, और जैसा कि हमारी मांग थी, और फुटपाथ पे अभी काम चल रहा है, डिवाइडर पे अभी लाइटें लगनी हैं। ये 2.5 साल तो पूरे हो गए बनाने बनाने में ही, और मुझे लगता है कि 2.5 साल ये धीरे धीरे और ले जाएगा ठेकेदार और नगर निगम, तब तक चुनाव भी आ जाएंगे, चुनाव भी खत्म हो जाएंगे और इनका पल्ला झड़ जाएगा। 5 साल इसकी मेंटेनेंस का भी ठेका इसी के पास था, तो 5 साल जो है वो भी बीत जाएंगे। ये जो कार्य प्रणाली है ना, ये समझ से बाहर है। और मैं कहता हूँ, आज की तारीख में अगर पोर्टल मीडिया ना हो तो सच का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि 16 तारीख को भंडारे में सभी पत्रकार बंधु, मित्रगण और हमारे साथी, यहाँ क्षेत्रीय जनता यहाँ पर भंडारे में उपस्थित हो और हमें कृतार्थ करें। बाबा जी, भंडारे का निमंत्रण दे रहे हो, सरकार को कोई ना कोई सचेत कर रहे हो किसी मामले किसी? देखो, सरकार को सचेत भी कर रहे हैं और आमंत्रण भी है। सरकार को आमंत्रण है कि लोगों को आमंत्रण है? जनता को, जनता को आमंत्रण। तैयारी कर रहे हैं? हो सकता है, देखेंगे, समय आएगा। क्योंकि अभी आपने खुद का जल भराव को लेकर के आप बड़ा, समय आएगा वो भी देखेंगे। बाबा पीछे थोड़ी हटेगा, 17 से 18 बार भी सही, 18 बार भी कर लेंगे, क्या बात है भाई। जनता को दुख तकलीफ होगी तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नेतागिरी तो करनी नहीं है, हमें माल तो खाना नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो हेरा फेरी का काम चल रहा है, इसके हम खिलाफ हमेशा ही रहे। बाबा, ये ठेकेदार ने जो बीच में कट था वो बंद कर दिया, गुड़गांव रोड का कट, इससे सारा जाम इस चौराहे पर आ गया है, बड़े वाहन चौराहे पर अब खुल गया है। नहीं, ये कट अभी कट है, बंद कर दिया गया है, जिसके कारण सारा ट्रैफिक लग रहा है। ये कोई बात नहीं है, उसको हम नगर निगम को हम चिट्ठी देंगे, नगर निगम से कहेंगे इसको खोला जाए, क्योंकि वो गुड़गांव का मुख्य रूप से कनेक्ट कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको हम ठेकेदार से भी कहेंगे, नगर निगम से भी कहेंगे कि उसको खोला जाए। इतने दिन आप कहाँ थे? तो इतने दिन क्या करते, वो रिवाजपुर धरना चल रहा था, उसमें आप गए नहीं थे क्या? देखा नहीं आपने? कोर्ट के समक्ष 90 दिन से धरने बैठा मणिराम भड़ाना आपके ऊपर कुछ आरोप लगा रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये व्यर्थ की बातें बहुत सारी चलेंगी, ये नेताओं का जो प्रोपोगंडा है ना, वो नेताओं का प्रोपोगंडा चलेगा, वो हमें बेईमान भी बताएंगे। कुछ लोग तो हमें बड़े औहदे पर बैठ करके ढोंगी और पाखंडी भी कहते हैं, कुछ लोग कहते थे जजिया कर हटा देंगे, बाबा वहां अनशन करें, मैं उनको दावत देता हूँ, आइए जजिया कर हटाने के लिए, आपका इलेक्शन भी आ गया है 2024 का, आइए वहां पर टोल पर, बदरपुर टोल पर करते हैं दोनों भाई अनशन। तो बाबा क्या संदेश देना चाहेंगे? टोल पर टोल बनाते जा रहे हो, जिनको जजिया कर आप बताते थे आए, और बाबा को ढोंगी पाखंडी बताते हो। बाबा क्या संदेश है आप जनता के लिए और प्रशासन के लिए? भाई मैं कह रहा हूँ, बोलना सीख लो, जनता से मैं कह रहा हूँ बोलना सीख लो। अगर आप गुलाम बनने की प्रक्रिया में जा रहे हो, और जय जयकार सिर्फ कोई भी दल हो, अगर आप दलों के जय जयकार में लगे रहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए, संघर्ष करिए। और ये पोर्टल मीडिया है, ये आपके बीच में है, ये आपकी आवाज उठाता है और सत्य की आवाज उठाता है। अगर सच्चाई इस फरीदाबाद की अगर कोई उठा रहा है, तो पोर्टल मीडिया उठा रहा है, प्रिंट और तमाम बड़े चैनल, वो आपको जगह नहीं दे रहे। अब बाबा ये कह रहे हो कि प्रिंट मीडिया जो हाँ जी मीडिया है जो काम नहीं कर रहा है, प्रिंट मीडिया और नहीं, काम तो कर रहा है,
काम अच्छा। काम तो कर रहा है, सरकार के पक्ष में कर रहा है, हमारे पक्ष में नहीं कर रहा है, जनता के हित में नहीं, जनता के हित में नहीं हो रहा। चलो चलो ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी और कुछ एक बात और बताना चाहूंगा, हम थोड़ा वहाँ चलेंगे काली मंदिर पे, काली मंदिर पे दर्शन करेंगे और वहीं सब पूरी चाय पानी की व्यवस्था साथ ही बाद में। आपको बता दें हम हैं हार्डवेयर प्याली रोड पर, हार्डवेयर प्याली चौक पर, प्याली चौक पर लगातार कई सालों के धरने के बाद एक रोड बना था जिसमें वो भी संपूर्ण नहीं बन पाया था, उसी को लेकर बाबा अनशनकारी बाबा राम केवल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से